सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जितने मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जितने मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, हम एकदम मस्त हैं। तो आज मैं और कालू जा रहे हैं कहाँ, सिलोनी। तो सिलोनी वर्ड आपको याद होगा कि हमारे एक जगह है, हमारे यहाँ पे गाँव के बीच में, हमारे गाँव के आगे रास्ते से निकलते हुए एक जगह है सिलोनी। तो वहाँ पे मतलब आज जा रहे हैं हम लोग स्कूटी धोने के लिए, और स्कूटी का कवर बहुत गंदा हो गया था, वो भी धोने के लिए मैं और कालू जा रहे हैं। और मौसम देख, अब वहाँ पे पानी आने लगा, पता पहले तो नीचे से आ रहा था, लेकिन वो जो पीने वाला पानी था वो भी आने लगा, शायद लोगों ने बना दिया वो पानी, तो अब अच्छे से आने लगा वो पानी जिसका हम इंतजार था। आज दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी यहाँ से आपको मौसम दिखाता हूँ मैं लोगों ने क्या हाल कर। ये देख सकते हैं आप, कुछ नहीं दिख रहा, पास के पहाड़ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, क्योंकि लोगों ने आग लगा लगा कर ऐसा हाल कर दिया कि कुछ दिख ही नहीं रहा पहाड़ों में। क्या बोले, धुंध की वजह से ना। बाकी अभी बज रहे सुबह के 11:30, चलते फटाफट, दिन होने वाली है। तो गाइज ये है हमारे गांव का यात्री सेट, जो कि मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है, और कुछ इस प्रकार शादियां खत्म हुई तो होगी सफाई भी जल्दी ही होगी। और ये भी हमारे धन्नो, निकालते इसको फटाफट से, वहाँ मिलते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे ना वहाँ जो रोल आ रही है ना, यूं करके उस रोल में, मतलब वहाँ से आगे उस रोल में मिलेगा मुझे, रोल बोलते हैं यहाँ पे, तो रोल पे मिलते हैं फटाफट। काल भी चल रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी लगी हुई है इस पर, ले चलते इसको फटाफट धोने के लिए। तो गाइज ये है वो प्लेस सिलोनी जिसे मैं बोल रहा था। तो ये तो पानी वैसे ही आ रहा है, पीने का पानी ये वाला था, तो कुछ दिनों पहले बंद हो गया था, पहले मतलब बहुत दिनों पहले बंद हो गया था, तो फिर शायद गांव के लोगों ने इसको बनवाया, तो अब ये आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है, इतना भी नहीं आ रहा। अब एक हफ्ते पहले तो शायद अच्छा सा आ ही रहा था, लेकिन अभी जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो अभी बहुत कम आ रहा है। खैर इतना भी ठीक है, थोड़ी देर करके ज़्यादा हो ही जाएगा। बाकी ये रहा वो वाटरफॉल गुफा, अभी भी है गाइस वहां पे। मैं जल्दी से धनों को धोता हूँ फटाफट, है ना, आज धनों को जल्दी से नहलाते फटाफट। तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि पता नहीं अभी क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें काट रही है, पता नहीं क्या काट रहे हैं, मक्खी मक्खी से पता नहीं क्या है वो, कीड़े मकोड़े, तो उनसे मेरी आंखें सूज गई। आप देखो ध्यान से थोड़ा ना, तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी आँखों में खुजली हो रही थी, पता मेरी आँखों में खुजली हो रही थी, तो फिर मैंने यार ऐसे एक बार साफ किया, उसके बाद देख रहा था मैंने कहा मुझे देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, अच्छा आँखें सूज गई। फिर मैंने जब चेक किया तो आप देख सकते हैं सच में मेरी आँखें सूज चुकी है ना, देखो एक मिनटा अब देखो, है ना आँखें सूज गई ना मेरी, यहाँ पे नीचे से पता नहीं क्या ही हुआ ये। खैर मैं घर जा रहा हूँ थोड़ी देर में धनों को नहलाकर, वहीं देखते तब क्या होता है। One hour later. तो गाइस अब मेरी आँखें देखो, अब मेरी आँखें बिल्कुल खुल भी नहीं रही है, पता नहीं क्या किसने क्या काटा। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है बॉडी में, ऐसे एक बार पहले भी हुआ था मिसाल, लेकिन मेरी आंखें नहीं सूझी थी, तो बॉडी में सिर्फ खुजली हो रही थी, अब मेरी आंखें मतलब खुल भी नहीं रही मुझसे, ऐसा मतलब आंखों से ना आंसू आ रहे हैं, तो आंखें बंद हो रही है, इसलिए पता नहीं क्या हुआ। और हाँ एक और चीज़ नोटिस की मैंने, वो दिखाता हूँ आपको, देखो हाँ मेरे हाथ पे, ये देखो मेरे हाथ पे ना मतलब पूरे
क्या हुआ, मैं समझ में तो आने रहा, लेकिन दाने दाने पूरे हाथ में अजीब से रेड रेड कलर के, एलर्जी सी हो गई शायद दाने से हो गई, पता नहीं क्या ये पूरे हाथ में यहाँ पे लाल लाल इस साइड भी। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry.